हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजूज लाइफ। आज हम बहुत ही अनोखे मंदिर में हनुमान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की हिस्ट्री जो है बहुत ही अनोखी है। मैं आपको पूरी हिस्ट्री और आख्यायिका बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं भगवान हनुमान के, जो भगवान श्री राम के बहुत ही परम भक्त थे, आप सबको पता ही है। तो ये मंदिर बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये रामायण से जुड़ा है। इसकी जो हिस्ट्री है भगवान राम से जुड़ी हुई है। जब राम और लक्ष्मण सीता के खोज में यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने इस क्षेत्र में राक्षस के जोड़े को देखा, चलकासुर और चलका देवी, उन दोनों का नाम ऐसा था। चलकासुर बहुत ही उग्र स्वभाव का था और चलका देवी बहुत ही शांत स्वभाव की, जिन्हें हिंसा पसंद नहीं थी और श्री राम की बहुत ही बड़ी भक्त थी। जब राम के हाथों चलकासुर का वध हुआ तो भगवान श्री राम ने चलका देवी से वर मांगने के लिए कहा। तब चलका देवी ने भगवान श्री राम से ऐसा वर मांगा, जब आप अयोध्या जाएंगे तब जाते समय उन्हें दर्शन जरूर देकर जाइए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जरूर हम आपको दर्शन दे देंगे। भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त को कहा कि जाओ चलका देवी से कहो कि जल्द ही श्री राम आपको मिलने आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, चलका देवी अब उसी पर्वत पे है जो तुम्हारे कारण उत्पन्न हुआ था, जब तुम संजीवनी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत ला रहे थे तब उसका छोटा सा टुकड़ा गिरा और जो पर्वत निर्मित हुआ उसे संजीवनी गुड्डा नाम से जाना जाता है, वहां पर ही तुम्हें चलका देवी मिलेगी। भगवान श्री राम के कहने पर परम भक्त हनुमान संजीवनी गुड्डा पर्वत पे चलका देवी को मिलने गए और उन्होंने श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया और चलका देवी इतनी खुश हो गई, खुशी में वो हनुमान की स्तुति करने लगी। तब हनुमान प्रसन्न होके हनुमान ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो चलका देवी ने कहा, आप भगवान श्री राम आने तक यहाँ पर ही रुक जाइए। तो भगवान श्री राम आने तक हनुमान वहाँ पर ही रुक गए, इसलिए आज भी ये जो मूर्ति है जागृत मानी जाती है, बहुत ही पावन है। उसके साथ साथ मूर्ति मन और आत्मा का संगम है। जागृत मूर्ति है, उत्तरमुखी है और ये बहुत ही पवित्र है, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही पावन माना जाता है। चलका देवी के नाम से ये चलकापुर नाम से जाना जाता है। पवित्र तो है ही, लेकिन हनुमान की जिंदा यानी कि जागृत मूर्ति के दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 200 साल के नीचे कुछ मुगल यहाँ पर आए थे, उन्होंने सुना था कि यहाँ पर हनुमान की जागृत मूर्ति है, तो उन्होंने मूर्ति जागृत है या नहीं है ये देखने के लिए यहाँ आके मूर्ति के हाथ के ऊपर वार किया। तब बहुत ही जोर से आवाज आया, तो आवाज सुनकर ही मुगल यहाँ से भाग गए। और जब मुगल हल्ला करने के लिए आते थे तब यहाँ पे बहुत सारे बंदर आके लोगों को बचाते थे। बहुत ही अद्भुत मंदिर है फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आने से बहुत ही शांति मिलती है मन को। और यहाँ पर एक गणेश की मूर्ति और शिवलिंग भी है। मंदिर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। मूड रूपये तरह मुंजान हूँ मध्यान यहाँ रात्रि मुख्यमंत्री दैतर कटी कुछ हनुमंदर दत्तरी उत्तरमुखी हनुमंदर हाँ उत्तरमुखी हनुमंदर रसकारी आलप अंदर तुड़को उड़क बंद मेल कई अद रही तलवर तुड़ा रक्त धर हद्दी तक अद्वे जिंदा हनुमंदर अंत बिटको हिंग हाँ अंदर हनुमंदर वर्तन चाहिए साक्षात ರಾಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಡನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಹಾಂ ಸ್ವಯಂಭು ಹೇ ಹಾಂ ಸ್ವಯಂಭೂ ರಾಮಕಾಲೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಂ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್
कि यह मूर्ति जागृत है, पावन है, उत्तरमुखी है और स्वयंभू है। तो इस तरीके से आपको मैंने जो भगवान हनुमान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये वीडियो को आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पवन पुत्र हनुमान की जय।